नमस्कार दोस्तों, फिक्सिंग टाइनी टीडियस थिंग्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और द बिग बिलियन डे सेल के बारे में, जो कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों की एक फ्लैगशिप सेल है, जिसमें काफ़ी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम दाम में उपलब्ध रहते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स यहाँ से खरीदे थे और इस साल भी सोच रहा हूँ काफ़ी प्रोडक्ट्स जो मैंने लिस्ट बना रखी है उनको खरीदने के लिए। तो ये है flipkart.com। जब तक ये खुलती है दूसरे टैब में मैं amazon.co.in भी खोल लेता हूँ, ताकि मैं दोनों वेबसाइट्स का आपको बता सकूँ कि कैसे आप दोनों का फ़ायदा उठा सकते हो इन दोनों सेल्स के दौरान। तो ये रहा amazon.in, ठीक है, चलते हैं फ्लिपकार्ट पे, जहाँ पे आप लॉगिन कर लें अगर नहीं किया थे। जो सामने देख सकते हो आप द बिग बिलियन डेज का जो प्रोमो चल रहा है, अभी 4 दिन है सेल में। अभी भी लास्ट ईयर मैंने यहाँ से लैपटॉप खरीदा था जो मुझे 3000 रुपये सस्ता पड़ा था, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने जब पहले इसके चेक किया था सेल शुरू होने से एक हफ्ता पहले, तो वही लैपटॉप मुझे 3000 महंगा पड़ रहा था। मैंने वेट किया इसको और जब ये सेल शुरू हुई तब मैंने चेक करा तो 3000 रुपये सस्ता था। मतलब कहने का कि ये सेल सिर्फ नाम की सेल नहीं है, आपको एक्चुअल में डिस्काउंट मिलता है यहाँ पर। और ऐसा ही अमेजोन पे था, अमेजोन से भी मैंने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे थे जो कि पहले काफ़ी महंगे थे, लेकिन जब ये सेल शुरू हुई थी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल तब ये मुझे काफ़ी सस्ते मिले यहाँ से। इसलिए ये सेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन कंज्यूमर्स के लिए, अगर आपने भी कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊँगा जिनको यूज़ करते हुए आप इन दोनों सेल्स का काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर, जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट है फ्लिपकार्ट से और अमेजोन से, दोनों से इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीदने का। मैं एक्चुअली कैमराज खरीदना चाहता हूँ, एक तो GoPro है और दूसरा है DSLR Canon 80D, ठीक है। तो सबसे पहले अमेजोन पे चेक कर लेते हैं GoPro को। यह है GoPro और मैं खरीदना चाहता हूँ GoPro Hero 5, जो कि एक पुराना वर्जन है GoPro स्पोर्ट्स एंड एक्शन कैमरा का। ये कैमरा अभी इसका नया वर्जन आ चुका है GoPro Hero 7 को, उसकी वजह से इसके जो प्राइस है वो काफ़ी अभी कम है, लेकिन मुझे लगता है कि जब ये सेल आएगी उसमें थोड़ा और प्राइस ड्रॉप होगा तो तब मैं इसको ज़रूर खरीदूंगा। अभी 24,950 है, शायद ये जब जो द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू होगी तो 20-22,000 के करीब मिल जाएगा, तो तब मैं इसको ज़रूर खरीद लूँगा। और इसी तरह से मुझे काफ़ी डिस्काउंट का जो भी है मुझे बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा जो मैं आपको बता रहा था फ्लिपकार्ट पे अभी देखिए, फ्लिपकार्ट पे मैं देखूंगा एक कैमरा जो मैंने पहले भी देख रखा है, इस पर दोबारा से फिर से चेक कर लेता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यहाँ पे DSLR मिलेगा आपको, देखिए सामने DSLR है, DSLR पर क्लिक करता हूँ। और इधर मैं जो कैमरा मैं लेना चाहता हूँ उसको टाइप करूँगा ऊपर सर्च बार में, यहाँ पे Canon 80D, देखता हूँ अभी इसका क्या प्राइस बोल रहा है। ये भी काफ़ी पुराना कैमरा है वैसे तो, लेकिन पुराना होने की वजह से इसके पूरे रेट्स कम है, लेकिन कैमरा बहुत अच्छा है ये। जैसे ये बता रहा है अभी 88,990, जो कि मेरे हिसाब से जब ये सेल शुरू होगी तो काफ़ी कम रेट पे उपलब्ध रहेगा। लेकिन इस चीज़ के लिए मुझे कुछ चीज़ें ऐसी करनी होगी कि मैं जल्दी से ये जब जो प्रोडक्ट्स हैं मेरे जो मुझे चाहिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पर वो मुझे मिल जाएँ, उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें करनी होती। जैसे ये है हार्ट का जो साइन, इसको कहते हैं विश लिस्ट। अगर आप विश लिस्ट कर लोगे तो आपका जो आइटम है ये सीधा आपके विश लिस्ट में चला जाएगा। यहाँ पे भी मुझे साइन इन करने के लिए बोल रहा है, तो मैं अपना अकाउंट डाल देता हूँ। जैसे अकाउंट डालूंगा आप देख पाओगे कि अंदर विश लिस्ट में मेरा जो आइटम मैंने अभी विश लिस्ट किया है वो मेरे प्रोफाइल पे आ जाएगा। ये देखिए सामने ऊपर देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है, और जब मैं ये देखिए हार्ट का निशान जो है अभी रेड हो चुका है। मैं प्रोफाइल विशलिस्ट पे 4 चीज़ें मैंने पहले ही विशलिस्ट कर रखी हैं, तो
कि जब सेल शुरू होगी तो क्वांटिटी काफ़ी कम रहती कई बार, तो मैं नहीं चाहता कि क्वांटिटी ख़त्म हो जाए, इससे पहले पहले मैं इसको ख़रीदना चाहूँगा। तो मैं सीधा फिर लॉग इन करूँगा, विशलिस्ट में जाऊँगा और उस दिन जब सेल चल रही होगी तो सीधा परचेज कर लूँगा अगर रेट कम होगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप भी इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखें, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो हैं क्वांटिटी इनकी कम रहती है, ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो आप उसे मिस नहीं करना चाहोगे। ठीक है, विशलिस्ट करना मत भूलिएगा, पहले ही विशलिस्ट करके रख लीजिए। और ऐसा ही हम लोग करेंगे अमेज़ॉन में, अमेज़ॉन पे भी अभी मैंने जैसे आपको बताया कि GoPro मैं खरीदना चाहता हूँ, तो उसको मुझे विशलिस्ट करना पड़ेगा ताकि मुझे जब ये सेल शुरू हो ये आउट ऑफ स्टॉक ना नज़र आए। ठीक है, चलते हैं अमेज़ॉन पे, गिरा अमेज़ॉन। और ये देखिए GoPro पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये राइट साइड में ऑप्शन आएगी ऐड टू विशलिस्ट और ऐड टू कार्ट, मैं ऐड टू विशलिस्ट करूँगा। उसके बाद वही सेम प्रोसीजर, अपना लॉगिन करें, अगर आप लॉगिन है तो ये सीधा पर आपके विशलिस्ट में चला जाएगा, अगर आप लॉगिन नहीं है तो लॉगिन कर लो। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपना, और ये देखिए लॉगिन करने के बाद सीधा मैं अपने अकाउंट में आ गया हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं योर ऑर्डर्स पे क्लिक करूँगा, नीचे योर विश लिस्ट होगी, योर विश लिस्ट में आपको जो भी आपने विश लिस्ट करके रखा होगा आ जाएगा। तो जिस दिन सेल शुरू होएगी आप यहाँ पे आएँ, अपने लॉगिन करें अकाउंट पे, विश लिस्ट में जाएँ और सीधा फटाफट इसको चेकआउट कर दें, ताकि इससे पहले कि ये जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए आप इसको खरीदने टाइम पे। तो आप भी एक अपनी लिस्ट बना लो, लिस्ट बना कर रख लो दोनों जो जो प्रोडक्ट्स आपको खरीदने हैं, ताकि कल को जब ये सेल शुरू हो जाएगी और आप डिस्काउंट्स देखें, डिस्काउंट्स देखकर आपका आपके दिमाग में शायद ना रहे कि आपने क्या क्या लेना है, इसलिए आप मे भी ओवर परचेज कर लें या अंडर परचेज कर लें, जो कि काफ़ी यूजुअल बात है, काफ़ी होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है जब काफ़ी चीज़ें काफ़ी डिस्काउंट पर मिल रही हों तो हम लोग जो एक्चुअल चीज़ है वो लेना भूल जाते हैं और अलग से कुछ चीज़ें ऐसी ले लेते हैं जो हमारे आगे काम भी नहीं आएंगी। तो इस सेल के शुरू होने से पहले पहले आप एक लिस्ट अपनी बना लें, बस वही प्रोडक्ट्स खरीदें जो आपको ज़रूरत है, विदाउट ऐसे मतलब नाजायज पैसा वेस्ट करने का कोई मतलब तो होता नहीं। मैं भी वही चीज़ करता हूँ, जब भी ये सेल्स आती हैं मैं अपनी विश लिस्ट के हिसाब से चलता हूँ। जैसे कि आपने पहले देखा होगा मैंने 4 विश लिस्ट करे हुए हैं फ्लिपकार्ट पे, और अमेज़ॉन पे अभी ये करा है विश लिस्ट। तो देखता हूँ अगर ये प्राइसेस कम होते हैं तो मैं खरीदूँगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप ये जो प्रोडक्ट्स हैं खरीदने जाएंगे ना, एक बार इनके जो प्राइसेस हैं वो दोबारा से रिकनसाइल कर लें, मे भी कहीं दिख भी लें जो अभी प्राइस है और जो आने वाले दिनों में प्राइस होगा, क्योंकि कई बार बंदा भूल जाता है कि क्या प्राइस था लास्ट टाइम। तो ये प्राइस अपने पास लिख लें कहीं पे, अगर आपको लगेगा कि ये जो डील्स आई हैं दोनों उन डील्स में आपको सस्ते मिल रहे हैं ये प्रोडक्ट्स, तो तभी आप खरीदें, नहीं तो आम दिनों में तो बंदा खरीद ही सकता है कभी भी, तो इन सेल्स का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वैसे तो डिस्काउंट तो काफ़ी मिलता है क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया हुआ है पहले। तो यही था मेरा वीडियो बनाने का मकसद कि आप लोग इन दोनों सेल्स का फ़ायदा उठा सकें। जो अमेज़ॉन की सेल है वो 5 से 6 दिन के लिए चलेगी और